आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगी एक बेहतरीन शहर की तरफ। यहाँ की मशहूर बिरयानी और मांडी से लेके चार मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं आपको लेके जाऊंगी एक एक्साइटिंग सफर पर हैदराबाद के शहर की तरफ। कोलकाता से मेरी जर्नी शुरू होती है, तो चलिए मेरे साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हैदराबाद हमारे लिए क्या स्पेशल ऑफर करता है। फिलहाल मैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ, फ्लाइट बोर्ड करने के इंतज़ार कर रही हूँ। हर बार ये पल थोड़ा स्पेशल होता है, एक शहर को पीछे छोड़कर दूसरे शहर की कहानियों में खो जाना। कोलकाता की मिट्टी, उसका अंदाज और यहाँ के लोगों का अपनापन हमेशा याद रहेगा, लेकिन हैदराबाद के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट है। कोलकाता से ये नज़ारा ऊपर से देखने लायक है, हमेशा दिल को छू लेता है। अब हैदराबाद की तरफ बढ़ते हैं, नया शहर नई जगह कुछ दिनों के लिए। आखिरकार हैदराबाद पहुंच गई हूँ। आज का दिन ट्रैवल में ही निकल गया, इसीलिए आज मैं रिलैक्स करूंगी, लेकिन कल हम सीधा शहर के जबरदस्त फूड सीन में डाइव करेंगे। हैदराबाद का दूसरा दिन और आज कुछ खास प्लान है। मैं जा रही हूँ लंच के लिए गर्लफ्रेंड्स मंडी, जिसका नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। मंडी इस हैदराबाद का एक पॉपुलर डिश है और सुनने में आया है ये जगह उसके लिए काफ़ी मशहूर है। एक्साइटेड हूँ ये ऑथेंटिक डिश ट्राई करने के लिए। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या खास है यहाँ। मंडी एक ट्रेडिशनल अरबिक डिश है जो खास तौर पर राइस और मीट से बनती है, लेकिन इसके साथ एक और शानदार चीज़ होती है, मटन सूप। ये सूप मंडी से पहले सर्व किया जाता है और इसमें राइस फ्लेवर्स और टेंडर मटन पीसेस होते हैं। मंडी में मसाला, सैफ्रॉन और ड्राई फ्रूट्स का यूनिक ब्लेंड होता है, जो इसे और भी डिलीशियस बनाती है। हमने अभी मटन सूप का मज़ा लिया, जो बहुत ही रिच और फ्लेवरेबल था। सूप ख़त्म करने के बाद अब हमें मंडी सर्व की गई है। जब ये डिश सर्व की जाती है तो एक स्टनिंग प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मंडी का चावल गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली कुक्ड होता है, जिससे सैफ्रॉन और स्पाइसेस से अच्छी तरह से फ्लेवर किया गया होता है। मीट पीसेस जो कि टेंडर और जूसी होते हैं, चावल के ऊपर ब्यूटीफुली अरेंज्ड होते हैं और इसके साथ गार्निश के रूप में रोस्टेड नट्स और फ्राइड अनियंस भी होते हैं, जो डिश को एक रिच लुक देता है। हैदराबाद की ये मंडी एक विजुअल और कल्नरी डिलाइट है, जो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उस ज़बरदस्त लंच के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल रहे हैं। रूट्स ऑफ हैदराबाद यार इतनी वेल मेंटेन, स्मूथ और क्लीन, और ये हाई राइज बिल्डिंग्स दे आर जस्ट सो कूल एंड स्टाइलिश। चेक आउट दिस बिल्डिंग्स, प्योर मॉडर्न वाइब्स पर साथ में हैदराबाद ट्विस्ट भी है। इट्स लाइक ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन। वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू दुर्गम चेरुवु। दुर्गम चेरुवु? दुर्गम चेरुवु, दुर्गम चेरुवु, करेक्ट। हैदराबाद का ये मॉडर्न साइड देखकर लगता है दिस सिटी इज ऑन अनदर लेवल। इन खूबसूरत रास्तों पर रोड ट्रिप करना ये एक्सपीरियंस तो मस्ट है। सो गाइस, अगली मंजिल पे पहुंचने से पहले इन वाइब्स का मजा लेते हैं। दुर्गम चेरुवु ये एक पॉपुलर स्पॉट है, लेकिन आने वाली बारिश ने इस जगह को एक ड्रामेटिक वाइब दे दी थी। जैसे कि आप देख सकते हो, आसमान काफ़ी डार्क हो रहा है, लगता है बारिश आने वाली है, लेकिन ये मुझे इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेने से नहीं रोक सकती, चाहे ये थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि मुझे एक और डिलीशियस स्टॉप पे जाना था। मेरा अगला डेस्टिनेशन कुछ ऐसा था जिसे ट्राई करने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। इट वॉज शवरमा। ये हैदराबाद काफ़ी फेमस है, लेकिन जो चीज़ इस जगह को यूनिक बनाती है वो है यहाँ का शवरमा, जो रुमाली रोटी के साथ बनता है।
यूजुअली हमें कोलकाता में भी शवरमा मिल जाता है, लेकिन वो जो बनाते हैं वो पीटा ब्रेड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे रुमाली रोटी यूज़ होता है, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहेंस करते हैं। शवरमा एक पॉपुलर मिडल ईस्टर्न स्ट्रीट फूड है जो आजकल दुनिया भर में फेमस है। ये डिश टिपिकली मैरिनेटेड मीट से बनती है जो वर्टिकल रोस्टरी पे रोस्ट किया जाता है। मैरिनेशन मीट को फ्लेवरफुल और जूसी बनाता है। मीट को रोस्टरी पे स्लोली कुक किया जाता है, जिससे एक स्मोकी और क्रिस्पी आउटर लेयर डेवलप होती है। जब मीट परफेक्टली कुक्ड होता है, इसे थिन स्लाइसेस में कट किया जाता है। ये स्लाइसेस फिर रैप में डाली जाती है। शवरमा को टिपिकली गार्लिक सॉस, ताहिनी या स्पाइसी सॉस के साथ सर्व किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन एक रिच, फ्लेवरफुल और सेटिस्फाइंग बाइट बन जाता है। सो शवरमा का टेस्ट एक परफेक्ट मिक्स है स्मोकी, स्पाइसी और क्रीमी फ्लेवर्स का। ये स्ट्रीट फूड का एक आइकॉनिक डिश है जो हर बाइट में एक यूनिक और डिलीशियस एक्सपीरियंस देता है। और ये मेरी शवरमा ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने डीएलएफ के पास एक मशहूर शॉप से ही शवरमा ऑर्डर किया है और इसका दाम सिर्फ 150 है। अगर आप भी ऐसे ही टेस्टी शवरमा का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप भी इस शॉप पर ज़रूर जाएं। डीएलएफ के पास ये शॉप बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो कल के अमेजिंग शवरमा के बाद आज हम आए हैं हैदराबाद के आइकॉनिक लैंडमार्क चार मीनार को देखने। ये हिस्टोरिक मोनूमेंट सिटी की हेरिटेज और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ की वाइब्रेंट एटमोसफेयर और मार्केट का मज़ा ही कुछ और है। हैदराबाद की हिस्ट्री और कल्चर को फील करने के लिए चार मीनार ज़रूर विजिट करना चाहिए। चार मीनार देखने के बाद हम लंच के लिए निकल गए। रास्ते में हमने अमरादीपम और हुसैन सागर भी देखा। अमरादीपम का सीरीन व्यू और हुसैन सागर की लेक की खूबसूरती ने सफर को और भी सुहाना बना दिया। फिर हम पहुंचे पिस्ता हाउस और यहाँ की बिरयानी सुना है काफी अच्छी होती है। वैसे हैदराबादी बिरयानी मुगल और पर्शियन फ्लेवर का एक शानदार फ्यूजन है जो निजामी सल्तनत के दौरान पॉपुलर हुआ। इसका टेस्ट रिच और एरोमेटिक होता है विद लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, सकलेंट मीट और मसाला का ब्लेंड परफेक्ट। चलिए इस डिलीशियस बिरयानी का मज़ा लेते हैं। जब मैंने इसे ट्राई किया तो सबसे पहले मुझे इसका रिच एरोमा ने इम्प्रेस किया। राइस बिल्कुल परफेक्ट है, मीट टेंडर और जूसी है और ये बिरयानी सच में एक ऑथेंटिक और डिलीशियस एक्सपीरियंस है जो टेस्ट बर्ड्स को खुश कर देती है। तो हैदराबाद की ये जर्नी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रही। हमने शुरुआत की हैदराबादी मंडी से, फिर दुर्गम चिरुवे के स्टनिंग व्यूज देखे और शवरमा और बिरयानी का मजा लिया। चार मीनार की हिस्टोरिक ब्यूटी और हाईटेक सिटी का मॉडर्न वाइब्स ने इस जर्नी को कंप्लीट किया। तो ये रहा मेरा हैदराबाद का जर्नी। हर एक्सपीरियंस अपनी जगह पे अमेजिंग था और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों का मज़ा लें। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।